अलीगढ़ में युवक की पिटाई से मौत के बाद अब फिरोजाबाद में बवाल हुआ है। यहां दो दिन पहले वाहन चोरी में पकड़े जाने के बाद जेल में बंद युवक की शुक्रवार को मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने शाम को बवाल कर दिया। भीम आर्मी ने विरोध में बाइक जुलूस निकाला और जाम लगाकर नारेबाजी की। इसके बाद लोगों ने जाम लगाकर बाइक फूंक दी और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इस पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और लाठीचार्ज करते हुए उपद्रवियों को दौड़ाना पड़ा। पथराव में कई पुलिस घायल हो गए, उनके सिर और पैर में चोटें आई हैं। वहीं घर लौटे एक मजदूर के हाथ में गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। देर डीएमओ और एसपी मौके पर तैनात थे। तनाव जारी था। देखिए 19 जून 2024 को एक व्यक्ति आकाश, जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, इन पर थाना दक्षिण आरोप एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें कि इसमें इनके पास से चोरी की एक दोपहिया गाड़ी मिली थी। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको नई अभिरक्षा में भेजा गया। देखिए 19 जून 2024 को एक व्यक्ति आकाश, जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, इन पर थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि इनके पास से चोरी की एक दोपहिया गाड़ी मिली थी। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। दिनांक 19 और 20 बिता लेने के बाद से जो हम लोगों को प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई अभी तक, 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहां पे तबीयत बिगड़ गई। जो संबंधित जेल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर पुनः आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस की कई टीमें गठित करते हुए पैनल के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। यहां मौके पर कुछ जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ में कई लोग एकत्रित हो रखे थे, उसमें से कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें तत्समय हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। अग्रिम इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है वो आप लोगों के साथ शेयर। आकाश पुत्र 28 साल बेरे सिंह निवासी नगला पचिया थाना दक्षिण पुलिस ने बुधवार को वाहन चोरी में गिरफ्तार किया। साथ ही शिवम भी साथ में गिरफ्तार हुआ। जिला जेल में बंद आकाश की शुक्रवार को दिन में अचानक तबियत बिगड़ी। जेल प्रशासन ने उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया। चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। आकाश की मौत का पता चलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। शव को देखकर पुलिस पर हवालात के दौरान उनकी बुरी तरह मारपीट करने पर जेल भेजने से मौत होने पर आरोप लगाया गया। इसके विरोध में शुक्रवार को देर शाम भीम आर्मी ने बाइक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला, जिसके बाद थाना दक्षिण में हिमायूपुर चौराहे पर जाम लग गया। 2 घंटे तक जाम लगाकर कार्यकर्ता और मृतक के जानने वाले सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने दो लोगों को समझाया तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उपद्रव और बढ़ गया और लोगों ने गुस्से में आकर दो बाइकों के अलावा शव वाहन में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस पर पथराव कर दिया। इस बीच पुलिस की बाइक में आग लगा दी गई। उपद्रव बढ़ने पर पुलिस ने हवाई फायरिंग करते हुए उपद्रव को गलियों में खदेड़ दिया। बवाल देख दुकानें बंद कर दुकानदार भाग गए तो कई दुकानों के अंदर कैद रहे। पुलिस ने एहतियातन सभी ओर से मार्ग बंद कर दिया ताकि आने जाने वाले पथराव और आगजनी का शिकार ना हो जाए। उपद्रव के दौरान कांच कारखाने में लौट रहे मजदूर संजय पुत्र आजाद निवासी हिमायूपुर मौके पर खड़ा हो गया, तभी उसके हाथ में गोली लगी। पुलिस उसको अस्पताल लेकर आई। एसपी सीटी सर्वेश मिश्रा का कहना है कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और फोटो वीडियो से उनकी पहचान मुकदमे दर्ज होंगे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।